इंदौर में दो पटवारियों के निलंबन से आक्रोश सामने आया है। पटवारियों ने अपनी मांगों समेत दो पटवारियों के निलंबन का विरोध किया। मध्य प्रदेश पटवारी संघ इंदौर संभाग के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रदर्शन भी किया। कलेक्टर कार्यालय में पटवारियों ने जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के संभाग अध्यक्ष योगेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पटवारियों द्वारा रात दिन काम करने के बाद भी दो पटवारी साथियों को निलंबित किया गया, जबकि पटवारी साथियों के पास ना तो संसाधन है और ना ही उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। दिन भर फील्ड में किसानों से आवश्यक दस्तावेज लेते हैं और रात में उन्हें अपडेट करते हैं। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। किन किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? वर्तमान समय में जो सबसे अधिक प्राथमिकता का कार्य चल रहा है वो क्षतिपत्रक का चल रहा है। जो सोयाबीन में नुकसानी हुई थी उसका कार्य चल रहा है। अब उसमें समस्या हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के थे किसान, उनके तो हमने दस्तावेज उपलब्ध करवा लिए, पर जो बाहर रहते हैं उनके दस्तावेज उपलब्ध कराने में हमें समस्या आ रही है। उनके एक तो हमारे पास पते नहीं है, अब ऐसी स्थिति में काम करना बड़ा विकट समस्या आ गई। तहसीलदार है एडीओ के हमारे पर दबाव आ रहा है कि काम आप तत्काल करिए, जबकि ये संभव नहीं है। और ये पैसे से संबंधित मामला है, अगर मान लो किसी को गलत पेमेंट चला गया तो आपराधिक प्रकरण पटवारी पर भी दर्ज होगा। इसलिए हमारा यही कहना है कि हमें समय सीमा दी जाए, हमें आराम से काम करने दिया जाए। इंदौर जिले में किन क्षेत्रों के पटवारियों पर ज़्यादा दबाव है फिलहाल में? नहीं, पूरे इंदौर जिले के ही दबाव चल रहा है। और विगत 10 माह से जो काम पेंडेंसी थी, जो काम राजस्व के नहीं हो रहे थे, वो पटवारियों सब ने मिलकर करा। एक तो काम की व्यस्तता हमारे पास वो भी ज़्यादा रही कि जो 10 महीने में काम नहीं हो पाए हमने 1 महीने में कर दिए। अधिकारी को ये तो सोचना चाहिए कि अगर इतनी पेंडेंसी निपटी तो किनके बदौलत निपटी है? हम लोग रिपोर्ट नहीं लगाते तो एक पेंडेंसी कैसे निपटती? तो थोड़ा सा ये भी हर चीज़ पे आप पटवारी पे दबाव डालोगे तो संभव नहीं है। सर, हम ये प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि वर्तमान इंदौर जिले के अंदर सारे पटवारी बहुत परेशान हैं, बहुत मानसिक टेंशन में कार्य कर रहे हैं। हमारे को समय बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है कार्य करने का, और ये कहा जा रहा है कि काम करिए, अर्जेंट करिए, तत्काल करिए, और कुछ काम ऐसे लगते हैं कि तत्काल में भी समय की आवश्यकता पड़ती है। इस वर्तमान में हम लोग अभी CM किसान, PM किसान और मुआवजा पत्रक के अंदर कार्य कर रहे हैं, और इसके अंदर हम लोगों को डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, और डाटा कलेक्ट करने में हमारे को यह समस्या पड़ती है कि कुछ जो किसान हैं गांव के बाहर निवास करते हैं, उनकी ज़मीन दूसरे गांव में रहती है, कुछ जो इनकम टैक्स पे ही हैं, उद्योगपति हैं, इन लोगों से डाटा कलेक्ट करने में हमको समस्या आ रही है। ये लोग समय पर डाटा देते नहीं हैं और हमारे को ये दबाव बनाया जा रहा है कि आपको कैसे भी कुछ भी करो, कैसे भी करो, ये काम करो, इनको कंप्लीट करो। समय सीमा चाहिए और कार्य करने के लिए हमको ट्रेनिंग चाहिए, हमें बताया जाए कैसे करना है। हर बार हर 2 दिन में एक नया प्रारूप आ जाता है कि इस प्रारूप में आपको जानकारी दीजिए, हम उस प्रारूप पर काम करते हैं, फिर 2 दिन बाद नहीं ये नहीं, आप इसको कैसा करिए। समय तो चाहिए, बिना समय के और हमारे पटवारी दिन भर गांव गांव या एंट्री। पटवारी कहाँ कहाँ के पटवारी आए हैं यहाँ पर? ये पूरे इंदौर जिले के पूरे पटवारी आए हुए हैं, सारे सभी तहसीलों से यहाँ पे पटवारी आए, क्योंकि सभी को समस्या आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।